बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 16 अगस्त शाम को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन शाम को 5 बजे दिल्ली के IMC हॉस्पिटल में हुआ था। और प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, वो अच्छे एक वक्ता थे, एक अच्छे कवि थे और उनकी भाषा शैली इतनी अच्छी थी कि उनके विपक्ष भी उनके कड़वे शब्दों को मीठे स्वर समझते और सुनते थे। अगर प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की बात करूं तो उन्होंने 10 बार लोकसभा के अध्यक्ष और कई बार राज्यसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में और कई कार्य किए। उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कई ऐसी योजनाएं लागू की जिनके द्वारा इतिहास के पन्नों में उनको याद किया जाएगा। संचार क्रांति को निजीगढ़ लाने में उनकी अहम भूमिका थी। वो जो भी कार्य किया वो बिना किसी पार्टी या विपक्ष के देश हित में सोचकर काम किया और PM पद के रूप में रहते हुए देश के कई कदम उठाए तो देश को नई दिशा मिली और नई राह मिलेगी। कारगिल युद्ध के दौरान जवानों का हौसला भी उन्होंने बढ़ाया था। और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 2001 में उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान योजना लागू की जिसमें 60% बच्चों की बढ़ोतरी हुई। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अगर सबसे बड़ी योजना लागू की वो है सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसमें 4 नेशनल हाईवे देश के, जिसमें चतुर्भुज सड़क योजना कहते हैं, दूसरी ग्रामीण सड़क योजना, 4 नेशनल हाईवे जिसमें दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से चेन्नई और चेन्नई से बंगाल और बंगाल से दिल्ली, इसे चतुर्भुज सड़क योजना कहते हैं। और ग्राम सड़क योजना है देश के छोटे बड़े ग्रामीण सड़क, ग्रामीणों को शहर से जोड़ना, इसे ग्राम सड़क योजना। इन दो सड़कों के माध्यम से PM अटल बिहारी वाजपेयी जी को इतिहास के पन्नों के में सड़कों के नाम से जाना जाएगा। और इसी शब्दों के अंतिम शब्दों को विराम देते हुए मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ अपना वक्त ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप भी अपने प्रधानमंत्री जी को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप में शेयर करें।